सामूहिक विवाह की योजना हो, भारत सरकार की मातृत्व वंदना योजना और जननी सुरक्षा योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने और महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से 1 करोड़ महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने, 58,000 से अधिक महिलाओं को बैंकिंग क्रेस्पोंडेंट सखी के माध्यम से प्रत्येक गांव में बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई रही हो, ये सभी कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाने के कार्य हुए तो गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 43.5 लाख गरीबों को उनके सिर को ढकने के लिए एक एक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उपलब्ध करवाने में भी सफलता प्राप्त की। 2.61 करोड़ से अधिक गरीबों को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक एक शौचालय उपलब्ध करवाया गया। 1,21,000 गांवों में विद्युतीकरण के लक्ष्य को पूरा करते हुए 1.43 करोड़ परिवारों को फ्री में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए तो 1.56 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में रसोई गैस की फ्री में कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए गए। 9 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से प्रदेश के अंदर 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया गया। तो मित्रों, 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। 5 वर्ष के दौरान ही 15 करोड़ लोगों को कोरोना कालखंड में डबल इंजन की सरकार ने हर महीने डबल डोज राशन की उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया। उत्तर प्रदेश का कोरोना प्रबंधन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में देश के अंदर अव्वल रहा। आज जब हम लोग कल्याण संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं, हम लोगों ने अब तक 27 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेज उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाई है। पहली डोज लेने वालों की संख्या प्रदेश के अंदर 7% है। सेकेंड डोज भी 75% लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर ले ली है। प्रिकॉशन डोज हो या 15-17 एज ग्रुप को वैक्सीन देने की कार्रवाई। टेस्ट करने वाला राज्य भी है और थर्ड वेव तो आज हमारे नियंत्रण में है। थर्ड वेव को भी उत्तर प्रदेश के अंदर नियंत्रित किया जा चुका है। बेहतरीन कोरोना प्रबंधन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से देश और दुनिया ने भारत के इस प्रबंधन को स्वीकारा है और उत्तर प्रदेश ने भारत सरकार की उसी गाइडलाइन का पालन करते हुए इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाने का कार्य किया। प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य 5 वर्ष में अगर हम देखेंगे, 70 वर्षों में प्रदेश के अंदर केवल 12 मेडिकल कॉलेज और 5 वर्ष में डबल इंजन की सरकार ने 33 मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया, जिनमें 17 में प्रवेश हो चुके हैं, शेष 16 पर वर्तमान में कार्य चल रहा है। 2 एम्स क्रियाशील हो चुके हैं। जनपद स्तर पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन हुआ है। 70 वर्षों में 1.5 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में थे, आज उत्तर प्रदेश में 7 नए एक्सप्रेसवे पर कार्य चल रहा है, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हो चुका है।